हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर अ फैमिली ऑफ 1K सब्सक्राइबर्स नाउ। आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो दोस्तों, IPL समाप्त हो चुका है और बस कुछ ही दिनों में ICC T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 2 तारीख से यानी कि 2 दिनों के बाद शुरू होने वाला है ICC क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप। और यह वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है वेस्ट इंडीज और USA में। और पहली बार इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग लेने वाली हैं। ये पहला मौका होने वाला है जब 16 से अधिक टीमें यानी कि 20 टीमें भाग लेने वाली है इस ICC क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में। तो ये 20 टीमें हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, नेपाल, नामीबिया, युगांडा, कनाडा, USA, ओमान और पापुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों, अब हमारा फोकस IPL से शिफ्ट होने वाला है ICC क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप पर। और इस ICC T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस स्टार्ट हो गए हैं। कई टीमों ने अपने वार्म अप मैचेस खेलना शुरू कर दिए हैं। भारतीय टीम अपना वार्म अप मैच खेलेगी 1 जून को बांग्लादेश के साथ। और देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वे प्लेयर्स होंगे जो ओपनिंग करने वाले हैं इस भारतीय टीम में। क्या विराट कोहली ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, या फिर यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ और विराट कोहली तीसरे नंबर पे आएंगे। तो वार्म अप मैचेस में जिस टीम के साथ भारतीय टीम, जिस कॉम्बिनेशन यानी कि जिस ओपनिंग प्लेयर के साथ भारतीय टीम उतरेगी, मोस्ट प्रोबेबली उसी टीम के साथ, उसी ओपनिंग प्लेयर के साथ पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएगी। और भारतीय टीम के मैचेस की बात करें तो भारतीय टीम अपना पहला मैच खेलेगी आयरलैंड के साथ 5 जून को। इसके बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला होगा 9 जून को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ। भारतीय टीम अपना तीसरा मैच ग्रुप स्टेज में खेलेगी 12 जून को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, मेजबान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और इसके बाद भारतीय टीम का आखिरी मैच होगा 15 जून को कनाडा के साथ। तो दोस्तों, ये होंगे सारे मैचेस ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम के। भारतीय टीम के ग्रुप को देखा जाए, भारतीय टीम को कड़ी टक्कर मिलने वाली है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान को छोड़कर अगर देखा जाए तो भारतीय टीम को बाकी किसी टीम से कोई कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि किसी भी टीम को इस T20 में आंकना काफ़ी गलत होगा। और आयरलैंड की टीम भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इस ICC T20 वर्ल्ड कप में। तो भारतीय टीम को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मगर अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखा जाए तो भारतीय टीम अगर अच्छा प्रदर्शन करती है और सारे मैचेस को जीतने में कामयाब होती है, और भारतीय टीम अगर सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाती है, तो उसके जो मोस्ट लाइकली ओपोनेंट्स होंगे वो होंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। यानी कि भारतीय टीम अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती है भारतीय टीम, तो भारत की टीम न्यूजीलैंड के साथ अपना मुकाबला खेलेगी 20 जून को। इसके बाद श्रीलंका के साथ भारतीय टीम का मुकाबला होगा 22 जून को। और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम का मुकाबला होगा 24 जून को। यानी कि एक बार ग्रुप स्टेज से आगे आने के बाद भारतीय टीम का सुपर 8 में कड़ा मुकाबला होने वाला है। ये थे इस ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मैचेस। हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इस ICC T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करे और ग्रुप स्टेज में अपना अच्छा खेल दिखा के सुपर 8 में प्रदर्शन करे अच्छा, और सुपर 8 में अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में जगह बनाए और फाइनली फाइनल में जगह बना के इस बार ट्रॉफी को जीतने में कामयाब हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और हम बात करेंगे भारतीय टीम के कुछ आने वाले मैचेस के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।